नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने बुधवार को राजभवन में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के साथ बैठक की। बैठक में अपर मुख्य सचिव शैलेश कुमार सिंह, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा सहित विभाग के अन्य अधिकारी शामिल हुए। बैठक में राज्यपाल ने कहा कि मध्य उच्च विद्यालय तक बच्चों की पहुँच को सर्वसुलभ बनाना चाहिए। वर्तमान में बच्चों को उच्च विद्यालय में नामांकन के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। माध्यमिक विद्यालय और उच्च विद्यालय के बीच काफी दूरी है। इस दूरी को कम करने के लिए प्रत्येक पंचायत में एक उच्च विद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ड्रॉप्ड आउट की समस्या पर भी नाराजगी जाहिर करते हुए विभाग द्वारा इसे रोकने के प्रयासों की जानकारी ली। बैठक के दौरान राज्यपाल बैस ने झारखंड के विभिन्न विद्यालयों को मॉडल के रूप में विकसित करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कहा कि राज्य में ऐसे शिक्षण संस्थान स्थापित करने की जरूरत है जहां बच्चों को शिक्षकों के साथ अनुकूल वातावरण उपलब्ध हो ताकि जिन बच्चों का अभिभावक शिक्षित नहीं है वे भी होमवर्क कर सके। उन्होंने कहा कि राज्य में स्थापित नेत्रहाट आवासीय विद्यालय का कभी पूरे देश में विशिष्ट पहचान थी, लेकिन आज इसकी स्थिति अच्छी नहीं है। हमें अवलोकन कर उन कारणों को जानना होगा और उनका स्थायी समाधान जल्द ही करना होगा ताकि यह पूर्व जैसे गौरव को पुनः प्राप्त कर सके। राज्यपाल ने विद्यालय के बोर्ड परिणाम की समीक्षा करते हुए कहा कि यदि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की बालिका बेहतर कर रही है तो वहां वर्षों से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को हटाने संबंधी बातें नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल सुलभता के साथ नल के माध्यम से शौचालय में पानी की आपूर्ति करने की दिशा में कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा यदि शौचालय में पानी की सुविधा नहीं होगी तो वह पूर्ण क्रियाशील नहीं कहलाएगा। उन्होंने विभाग द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के संदर्भ में भी पूछताछ की। रामगढ़ कॉलेज की घटना पर बोले सुदेश महतो, प्रायोजित रूप से छात्रों पर हुआ है हमला। झारखंड सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आशु सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो आशु पार्टी के जिला स्तरीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए सुदेश महतो लोहरदगा पहुंचे हैं। शहरी क्षेत्र के सदर प्रखंड परिसर स्थित नगर भवन में यह जिला सम्मेलन आयोजित है। रामगढ़ कॉलेज में हुई घटना को लेकर सुदेश कुमार महतो ने कहा कि सबसे पहले वह इस घटना की निंदा करते हैं। यह घटना आयोजित रूप से छात्रों के ऊपर हमले की घटना थी। शासन प्रशासन को इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। आजसू पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा स्थानीय प्रशासन को चेतावनी दी गई है कि मामले में अपराधियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं की जाने की स्थिति में चक्का जाम की चेतावनी भी दी गई। लोहरदगा जिले के सीमा से लेकर कार्यक्रम स्थल तक कई स्थानों पर सुदेश महतो का जोरदार ढंग से स्वागत हुआ। सुदेश महतो ने शंख नदी मोड़ में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति नजर आई। सुदेश महतो के पहुंचने पर आशु नेताओं में काफी उत्साह देखा गया। उच्चतर शिक्षा के लिए झारखंड में बहुत कुछ करने की जरूरत, राज्यपाल ने कहा। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि आज की राजनीति में सेवाभाव की कमी देखी जा रही है। पहले जनसेवा को प्रमुख माना जाता था। राज्यपाल रमेश बैस राजभवन के दरबार हॉल में कुछ पत्रकारों से झारखंड के प्रमुख विषयों पर चर्चा कर रहे थे। झारखंड में कई क्षेत्र में विकास की काफ़ी संभावना है। पर्यटन के क्षेत्र में विकास हो सकता है। राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने कुछ क्षेत्रों का भ्रमण किया है तो ऐसा महसूस हुआ। उन्होंने कहा कि प्रकृति ने झारखंड को बहुत कुछ दिया है, इसका लाभ राज्य को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि उच्चतर शिक्षा से जुड़ी संस्थाओं में बहुत काम करने की जरूरत है। नियुक्ति के अलावा शिक्षण संस्थाओं में प्रोन्नति का भी मामला वर्षों से लंबित रहा है। इससे शिक्षकों के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा जब पीएससी और सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है, इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। 20 दिन बाद शिक्षा विभाग को आई बच्चों की याद। जैक सेक्रेटरी को रिजल्ट जारी करने का दिया अधिकार। अभी तक नहीं हो सकी है चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की नियुक्ति। दशहरा से पहले जारी होंगे सभी का रिजल्ट। झारखंड के शिक्षा विभाग को 20 दिन बाद ही सही, लेकिन बच्चों के भविष्य की याद आ गई। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के पद रिक्त होने के बाद लगभग 40,000 बच्चों को अटके रिजल्ट को जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए शिक्षा विभाग के सचिव ने जैक के सचिव को अधिकृत भी किया है। अधिकार मिलते ही जैक ने रिजल्ट की घोषणा शुरू कर दी। सबसे पहले मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन की तैयारी के लिए सरकार की ओर से संचालित आकांक्षा के लिए आयोजित परीक्षा के परिणाम की घोषणा की गई है। इसके अलावा इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय की प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट भी जारी हो गया है।
इसके साथ ही जैक के मैट्रिक और इंटर की पूरक परीक्षा के रिजल्ट को जारी करने की प्रक्रिया में भी जुट गया है। जैक सूत्रों की माने तो दशहरा से पहले मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा मदरसा आलिम फाजिल और अन्य रिजल्ट को भी जारी करने की तैयारी है। झारखंड में शिक्षक और मनरेगा के 1200 पदों पर जल्द नियुक्ति, सीएम हेमंत सोरेन ने किया ऐलान। राज्य सरकार ने इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। सरकारी और निजी क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। लगभग 5 वर्षों से लंबित जेपीएससी की परीक्षा करवाई गई। अब लगभग 700 शिक्षकों और मनरेगा में 500 पदों समेत अन्य खाली पदों को भरने की कार्रवाई हो रही है। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में खुट्टी और जमशेदपुर के कल्याण गुरुकुल से प्रशिक्षित 238 छात्रों को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए कही। सीएम ने छात्रों को बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा, अब तक लगभग 600 चिकित्सकों, 24 खेल पदाधिकारियों, 40 खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति हो चुकी है। इसके अलावा एएससीसी कंपनी में 150 युवाओं को अस्थायी नौकरी और दूसरे राज्यों में काम कर रही यहां की 200 युवतियों को अपने घर में ही टेक्सटाइल उद्योग में रोजगार से जोड़ा गया। 900 से ज्यादा युवतियों को प्रशिक्षित कर नर्स बनाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के कौशल विकास के लिए सरकार कई प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है। कल्याण गुरुकुल में भी युवाओं को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहां उनका प्लेसमेंट भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि यहां से प्रशिक्षण के बाद जिन युवाओं का प्लेसमेंट हुआ है उनका समय समय पर इंटरनल असेसमेंट की व्यवस्था भी सुनिश्चित हो। झारखंड राज्य के हाई और प्लस टू स्कूलों में बदलेगी मूल्यांकन की प्रक्रिया, ऐसी होगी नई व्यवस्था। राज्य की हाई और प्लस टू स्कूलों के छात्रों के मासिक मूल्यांकन की प्रक्रिया बदली जा रही है। अब मूल्यांकन पूरी तरह बोर्ड परीक्षा के तर्ज पर होगा। इससे छात्र छात्राओं के लिए बोर्ड परीक्षा की तैयारी में सहूलियत होगी। मूल्यांकन में पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके अंक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के आधार पर ही होंगे। इसमें वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शामिल होंगे। स्कूलों में प्रश्नों को भेजने की प्रक्रिया इसी सप्ताह से शुरू हो जाएगी। मूल्यांकन में यह नई व्यवस्था 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं के लिए की गई है। इसमें हर विषय के 40-40 अंक के प्रश्न रखे गए हैं। 10-10 अंक इंटरनल असेसमेंट के लिए निर्धारित किए गए हैं। स्कूल में बच्चों को या तो प्रश्न बता दिया जाएगा या प्रश्न पत्र उपलब्ध करा दिया जाएगा। बच्चे इन प्रश्नों के उत्तर घर से ही लिखकर आएंगे और फिर लाकर स्कूलों में जमा करेंगे। स्कूलों को पूर्व मासिक मूल्यांकन के अंक रखने का निर्देश दिया जा चुका है। तैयारी की जा रही है कि यदि मैट्रिक और इंटरमीडिएट समेत 9वीं और 12वीं की भी परीक्षा नवंबर, दिसंबर और मार्च अप्रैल में होने वाली परीक्षाएं नहीं हो सकी तो मासिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जा सके। अगर परीक्षा का संचालन हुआ तो इन प्रश्नों से छात्र छात्राओं का रिवीजन हो सकेगा। कोरोना से छात्रों को हुए नुकसान की भरपाई इस तरह करेगी झारखंड सरकार। 2024 तक के लिए बना प्लान। कोरोना वायरस से फैले संक्रमण के चलते छात्रों को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। उनकी पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में झारखंड सरकार ने अब इसकी भरपाई करने का फैसला किया है। इसके तहत सरकारी स्कूलों के शैक्षणिक सत्र को बढ़ाया जाएगा। यह व्यवस्था साल 2024 तक के लिए रहेगी। नई व्यवस्था को इसी साल से लागू कर दिया जाएगा। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण स्कूल महीनों तक बंद रहे थे। हालात में सुधार के बाद शर्तों के साथ स्कूलों को खोलने की प्रक्रिया शुरू की गई है। स्कूल बंद रहने के कारण छात्रों की पढ़ाई लिखाई बुरी तरह प्रभावित हुई थी। झारखंड सरकार ने अब इस नुकसान की भरपाई के लिए नई व्यवस्था का ऐलान किया। इसके तहत वर्ष 2021-22 का शैक्षणिक सत्र 31 मार्च को समाप्त नहीं होगा बल्कि यह सत्र अब 31 जून तक चलेगा। शैक्षणिक सत्र को 3 महीने के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। यह व्यवस्था आने वाले 2 और सत्रों तक जारी रखने पर विचार चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वर्ष 2022-23 का सत्र 31 मई तक और वर्ष 2023-24 का सत्र 30 अप्रैल तक चलाया जाएगा। इसके बाद वर्ष 2024-25 से सत्र पूर्व निर्धारित तिथि यानी 31 मार्च को समाप्त होगा। झारखंड स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। इस बाबत जल्द ही फैसला होने की उम्मीद है। 24 घंटे ड्रोन की निगरानी में रहेगा जमशेदपुर शहर, 2,50,00,000 होगा खर्च। झारखंड का जमशेदपुर शहर अब 24 घंटे 3D ड्रोन कैमरा की निगरानी में रहेगा। इस पर 2.5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। इसके लिए जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के कार्यालय में 2.5 करोड़ की लागत से 3D ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जा रहा है।
जमशेदपुर में ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने से क्राइम कंट्रोल, भीड़ भाड़ पर नजर, अवैध कंस्ट्रक्शन पर नजर, अतिक्रमणकारी पर नजर, प्रदूषण फैलाने वालों पर नजर रखी जाएगी। जमशेदपुर ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने की स्वीकृति के लिए नगर विकास विभाग को प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। ड्रोन मैपिंग नियंत्रण प्रणाली 360 डिग्री पर शहर की तस्वीरें उपलब्ध कराएगा। आप सबको बता देना चाहता हूं कि बीते 6 अगस्त 2021 को जमशेदपुर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ड्रोन उड़ाकर 3D मैपिंग कराया गया था। झारखंड की वजह से पश्चिम बंगाल में आती है बाढ़, ममता ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर मांगा स्थायी समाधान। देश में मानसून के आने से हर साल बाढ़ आती है, लेकिन राज्य सरकारें इसका हल निकालती है और लोगों की मदद करती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में कुछ अलग ही हुआ। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने झारखंड पर ही आरोप लगा दिया। झारखंड में बांधों और बैरांजों से छोड़े गए पानी और दामोदर घाटी निगम के तहत आने वाले बांधों से छोड़े जाने वाले पानी से पश्चिम बंगाल के कई जिलों में बाढ़ आने का मुद्दा उठाते हुए ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बार बार आ रही इस समस्या का स्थायी समाधान मांगा। सख्त कोरोना गाइडलाइंस के बीच मनेगी दुर्गा पूजा, बिहार, झारखंड, यूपी समेत कई राज्यों में कड़े दिशा निर्देश। देश में फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया है, इसी कड़ी में आज से दुर्गा पूजा की शुरुआत भी हो रही है, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए राज्यों की सरकार पूरी तरह सतर्कता बरत रही है। सरकार ने पूजा मनाने और पंडाल देखने के लिए कई गाइडलाइंस जारी किए हैं। बिहार, झारखंड, यूपी, गुजरात, दिल्ली समेत कई राज्यों ने कोरोना के देखते हुए दुर्गा पूजा के लिए दिशा निर्देश बनाया है। झारखंड में कोरोना के मामले में कमी आई है, लेकिन संक्रमण का खतरा अभी बरकरार है। हालांकि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने लोक आस्था को देखते हुए दुर्गा उत्सव और दशहरा के आयोजन की अनुमति दे दी है, लेकिन साथ ही कई गाइडलाइंस भी जारी किया है। सरकार के गाइडलाइंस के तहत पूजा पंडालों और मंडपों का आकार छोटा होगा, माँ दुर्गा की प्रतिमाएं 5 फीट से ज्यादा की नहीं होगी। वहीं 18 साल से कम उम्र वालों को पंडालों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट को मिला 4 नए न्यायाधीश, 5 में से 4 नामों को मिली केंद्र की मंजूरी। झारखंड हाईकोर्ट को 4 नए न्यायाधीश मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम द्वारा झारखंड हाईकोर्ट से संबंधित न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में 5 नाम प्रस्तावित किए गए थे। इनमें से 4 नामों को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी है। जिन नामों को कोलिजियम की मंजूरी मिली है वे सभी 5 जज न्यायिक सेवा के अधिकारी हैं। जिन 4 लोगों के नाम की मंजूरी मिली है उनमें झारखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अंबुजनाथ, रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश नवनीत कुमार, ज्यूडिशियल एकेडमी के निदेशक गौतम कुमार चौधरी और लॉ सेक्रेटरी संजय प्रसाद शामिल हैं। फिलहाल झारखंड हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस समेत 15 न्यायाधीश हैं। इन नए जजों की नियुक्ति के बाद हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 19 हो जाएगी। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।